व्हाट्स अप एडिस गैंग, वेलकम बैक टू अवर ब्रांड न्यू वीडियो। तो गाइस यार, बहुत दिनों के बाद, मतलब जैसे कि मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बोला था कि यार मेरे एग्जाम होने की वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा था वीडियो डालने के लिए, लेकिन यार मैं इस वीडियो के अंदर आपके लिए लाया हूँ एक खतरनाक वाली खबर। मतलब यार, उससे पहले जो हमारे आसपास या सराउंडिंग्स में जो भी हो रहा है कोरोना की वजह से, तो यार मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप घर में रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि यार बाहर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर लग रहा होगा कि यार आपको एंटरटेनमेंट नहीं है, तो यार मैं आपको इस वीडियो के अंदर उस एंटरटेनमेंट क्या होने वाला है क्या नहीं, सारी बातें यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि यार ये सारा एंटरटेनमेंट आपको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको फटाफट से सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। अब उस एंटरटेनमेंट के बारे में मैं आपको एक मतलब एक बात छेड़ देता हूँ, मतलब जिससे कि आपको क्ल्यू लग जाए कि किस बात की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मतलब बात की खाल निकाल रहा हूँ। तो यार खैर, तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ अपने BGMI यानी कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के बारे में। तो यार ये ना, अब लगभग ये कन्फर्म हो चुका है कि इन 2 वीक्स में, मतलब यानी कि 20 तारीख से पहले, जून के 20 तारीख से पहले कन्फर्म BGMI आएगा। और उसकी एग्जैक्ट डेट क्या है वो आपको मैं आगे बताऊंगा वीडियो के अंदर, लेकिन यार मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब BGMI आएगा तो यार आप आराम से घर में खेल सकते हो, मतलब एंजॉय कर सकते हो, और साथ ही साथ अपने मतलब यार पेरेंट्स का या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखना, क्योंकि बहुत ही खतरनाक यहाँ पर माहौल हो चुका है कोरोना की वजह से। खैर, अब मैं वहाँ से सीधा आ चुका था प्रिजन के अंदर, और यहाँ पर मुझे लगा था कि यार बंदे मिल जाएंगे, लेकिन बस एक बॉट ही मिलेगा यहाँ पर मुझे। तो यार आज तक मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि BGMI यानी कि, हालांकि इसको हम PUBG भी बोल सकते हैं, लेकिन जो हमारे क्राफ्टन वालों ने अभी तक प्री रजिस्ट्रेशन आपके लिए अवेलेबल करके रखा हुआ है। तो यार जो भी बंदों ने अभी तक प्री रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो यार फटाफट से मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और शायद आपको वहां पर नहीं मिली तो यार कमेंट में तो ज़रूर मैं दे दूंगा लिंक, तो वहां पर जाकर आप फटाफट से प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जिससे कि आप सबसे पहले BGMI को खेल सको। खैर, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यार अगर आपको BGMI भी खेलना है और उसके रिलेटेड कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, कि आपका अकाउंट जो भी अभी, या फिर आप कह सकते हो कि जो भी ग्लोबल वर्जन में आपका अकाउंट था या फिर कोरियन वर्जन में, वो रिटेन होगा क्या, यानी कि वही अकाउंट आपको सीधा BGMI के अंदर दिखेगा या नहीं, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो यार वो वीडियो देखने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, तो फटाफट से सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने बोला था कि घर पर रखकर आप घर पर बैठकर एंटरटेनमेंट ले सकते हो, तो उस वजह से मैंने आपको मतलब आपके लिए यहाँ पर ला चुका हूँ एक शॉर्ट वीडियो। जैसे कि आप इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हो, उसी तरह से यूट्यूब के अंदर शॉर्ट्स का एक फीचर आ चुका है, तो वहाँ पर भी शॉर्ट्स में डालने वाला हूँ, तो आप वो भी एंजॉय कर सकते हो। लेकिन ये सब तभी होगा, मतलब यार अब तक मैंने आप 5-6 बार बता चुका हूँ कि यार सारी ये चीज़ें बस एक सब्सक्राइब बटन से आपकी पूरी हो सकती है। तो आई होप कि आप ये मेरी मतलब आपके भाई की छोटी सी रिक्वेस्ट पूरी करोगे। खैर, मैंने मतलब अभी तक कहीं पर भी रश नहीं मारा था, क्योंकि यार मैं आपको उस BGMI के या फिर जो भी करंट न्यूज़ आ रही है BGMI के बारे में, वो सारी आपको बताना चाहता था। तो यार एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि मतलब ज़्यादा रेटेड डेट 2 निकले हैं यहाँ पर, हालांकि मुझे डेट पता है, लेकिन यार ये कॉन्ट्रोवर्सियल चीज़ें होती है, इस वजह से मैं नहीं बता सकता एग्जैक्ट डेट, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा बताई जा रही है वो डेट है 10, मतलब 10 तारीख, और दूसरी डेट है 18 तारीख। तो यार इन 2 डेट के अंदर कन्फर्म आएगा, लेकिन मैं आपको एक क्ल्यू देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर 10 तारीख को नहीं आया, तो यार 15 से 20
तारीख के बीच में कन्फर्म आएगा। अब आप बताओ मुझे कि यार आपको अगर पता हो एग्जैक्टली तो कमेंट में बता सकते हो, और अगर किसी ने अच्छा मतलब सही गेस किया तो मैं उसे कमेंट भी करूंगा। खैर अभी तक यहाँ पर मैं कहीं पर भी रश नहीं मारा था, लेकिन यहाँ पर होने वाला एक खतरनाक वाला आपके भाई का 1v4 क्लच। अब यहाँ पे मेरे सामने सारे टीममेट्स यहाँ पर उन वाली टीम ने मार दिए थे, तो मैंने यहाँ पर देखा कि यार पूरे के पूरे ये चार बंदे थे, तो मैंने यहाँ पर गाड़ी रोकी और यहाँ पर देखना यार खतरनाक वाला क्लच। और अगर पसंद आए तो यार सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। अब एक एक फुट से पा रहे थे मुझे इस सामने वाली झुटकी के अंदर से, जो कि यहाँ पर खिड़की से बाहर भी आ जाता है। इसे डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, रिकॉर्डिंग की। खैर उस वाले बंदे को यहाँ पर मैंने बहुत डैमेज दिया। अब इन दो बंदों को तो यहाँ पर मैंने नॉक फिनिश कर दिया था, और ये एक सामने ओपन में भाग रहा था, तो यार इसे भी नॉक कर देता हूँ। अब बच चुका था इनका आखिरी वाला बंदा, जो कि पता नहीं कहाँ पर था, तो मैंने सोचा कि यार हील करने के पहले मतलब हील करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर यहाँ पर मैं एक फुल बूस्ट कर लेता हूँ, जिससे कि अपने आप हेल्थ बढ़ी जाए। और मैंने सोचा कि यार यहाँ से देख लेता हूँ इस झोपड़ी के अंदर से कि वो बंदा है तो है कहाँ। और भाई बंदा नेड वेड भी डालने लगा था, और उस बंदे को मेरी पोजीशन पता थी, तो यार उसने मेरा व्यू ब्लॉक करने के लिए यहाँ पर एक स्मोक डाल दिया, तो इस तरफ से तो मैं नहीं जा सकता था, तो मैंने यहाँ सोचा कि यार पीछे से चला जाता। अब वो बंदा था इस पत्थर के पीछे, और भाई बिना कोई डैमेज लिए बिना एक भी बुलेट टच के इस आखिरी वाले बंदों को भी यहाँ पर मैंने मार दिया। खैर अगर मतलब यार फिर से मैं बोल रहा हूँ, अब कितनी बार हुआ मैंने नहीं गिना, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यार इस वाले क्लच के लिए तो यार एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता ही है। खैर अब यहाँ पे फटाफट से मैं लूट कर लेता हूँ, और जोन भी आ चुकी थी, तो यार चलो जोन के अंदर चले जाते। लेकिन जोन थी मतलब उस इस पानी के उस तरफ, और आपको भी पता है यार ब्रिज कैंप हो सकता है, और मैं यहाँ पर अकेला होने की वजह से मैंने सोचा कि यार इस बोट को यूज कर कर मैं यहाँ पर जोन के अंदर चला जाता हूँ। तो गाइस अभी तक मैंने शायद से 2 या 3 शॉट्स मैंने अपलोड किए थे, तो यार अगर आपने वो नहीं देखे तो फटाफट से जाकर देख सकते हो। खैर अब यहाँ पर मैं आ ही जाता हूँ कि लेकिन सामने की तरफ हो रही थी फायरिंग, और भाई ये बंदा ना यार कन्फर्म एक ही गोली का था, नहीं तो यार ये यहाँ पर नॉक ही हो जाता। तो मैंने सोचा कि यार अच्छा खासा डैमेज तो दे चुका था मैं, तो फटाफट से मैं क्लोज इन कर लेता हूँ, जिससे कि बूम बम। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, लेकिन यार मुझे वो बंदा नहीं दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, क्योंकि कन्फर्म ये बंदा नागिन बना पड़ा होगा कहाँ पर। और थोड़ी देर वेट करने के बाद मुझे आते उस बंदे के फुटस्टेप, जो कि था लेफ्ट में यहाँ पर सामने पेड़ के सामने, और मुझे दिख भी जाता है नागिन। अब इस वाले बंदे को नॉक करने के बाद मुझे फटाफट से दूसरे बंदे के भी फुटस्टेप आ जाते, तो मैं यहाँ पर रेडी था उस वाले बंदे को। खैर आप यहाँ पर तो इन दो बंदों को मैंने सीधा नॉक फिनिश मार दिया, लेकिन यार मैंने देखा कि जोन आ चुकी थी, तो यहाँ पर इन बंदों के साथ फाइट लेने में कोई भी होशियारी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि एक स्मोक कर लेता हूँ, इन वाले बंदों को थोड़ा सा लूट लेता हूँ और फटाफट से जोन के अंदर भाग लेता हूँ। वो वाले बंदे भी मुझे दिख चुके थे जो कि सामने स्मोक हुआ पड़ा था, और वो बंदे भी किसी और स्क्वाड के साथ फाइट ले रहे थे, लेकिन यार यहाँ पर समझदारी यही थी कि जोन में आ जाऊँ। खैर अब यहाँ पर मैं जोन में आ जाता हूँ, और यहाँ पर सामने की तरफ थी एक यूएच, और मुझे लगा कि मतलब हर बार की तरह
इस वाली मतलब इस टाइप की झोपड़ी के अंदर ना यार बंदे कैंप करके बैठ जाते हैं, और वो भी इतना खतरनाक वाला कि यार कोई बंदा पीछे से आके उन्हें निपटा भी देना तभी उनको पता नहीं चलेगा, इतना खतरनाक वाला। मतलब डिवोशनल होते कैंपर। खैर अब सामने की तरफ भी उस पहाड़ के ऊपर भी मुझे एक यूएस स्पॉट हो चुकी थी, लेकिन वहाँ पर मुझे बंदे नहीं दिखे। खैर यहाँ पर थोड़ी देर तक ये सारे घर छानने के बाद एक भी बंदा यहाँ पर नहीं था, और तभी मैं सोचता हूँ कि यार जोन के अंदर चला जाता हूँ फिर से। लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा था कि यार वो जो बंदे वहाँ पर जोन के बाहर फाइट ले रहे थे वो बंदे शायद से यहाँ पर आ चुके होंगे, पता नहीं कहाँ पर चले गए, और शायद से मुझे लगता है कि यार जोन के डैमेज से ही वो बंदे वहाँ पर मारे जा चुके होंगे। खैर मैं यहाँ पर थोड़ी देर वेट ही कर रहा था कि मतलब अभी तक मुझे लग रहा था कि यार वो बंदे आएंगे, और आखिरकार सामने की तरफ से फायरिंग भी हो जाती। अब मैं देख ही रहा था कि यार वो बंदा मतलब जो भी बंदे थे वो स्पॉट हो जाए, लेकिन यहाँ पर मुझे बंदा नहीं दिखता, लेकिन आखिरकार दिख चुका था। और इसी के साथ इस वाले बंदे को भी यहाँ पर मैंने मार दिया। खैर अब यहाँ पर वो बंदा सीधा फिनिश हो चुका था, तो मुझे लगा कि यार कोई और बंदा नहीं होगा तो मैं जोन के अंदर आ जाता हूँ। और यहाँ पर मैं चेक ही कर रहा था कि कहाँ मतलब हर एक जगह चेक कर रहा था जहाँ पर मुझे लग रहा था कि यार बंदे हो सकते, लेकिन यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं मिलता। और तभी एक AWM चलती है, और इस AWM वाले बंदों को आप याद रखना। मतलब ये क्यों बोल रहा हूँ वो आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि यार ये बंदा मुझे यहाँ पर बहुत तकलीफ देने वाला है। खैर अब फिर से मुझे एक यूएच स्पॉट हो जाते हैं सामने वाली पहाड़ी के पास, लेकिन मैं देख रहा था कि यार वो AWM वाला बंदा है तो है कहाँ पर, क्योंकि मुझे एक बात का डर था कि यार मैं किसी और टीम के साथ फाइट लेने में बिजी हूँ और ये बंदा वहाँ पर थर्ड पार्टी करके मुझे ही निपटाना दे। लेकिन यहाँ पर मैं बहुत देर तक देखता हूँ, लेकिन एक भी बंदा मतलब यार वो AWM वाला मुझे यहाँ पर स्मॉट नहीं होता। तो मैंने सोचा कि यार चलो यार अब यहाँ पर क्या ही कर सकते हैं यहाँ पर रुक कर, तो मैंने सोचा कि यार फटाफट से यूएज लेकर यहाँ से निकल जाता हूँ मिलिट्री बेस के अंदर, और वहाँ पर तो कन्फर्म बंदे मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर मेरे साथ होने वाला है स्कैम। लेकिन जाते जाते मैंने सोचा कि यार ये जो बाकी बचे कुचे पहाड़ है उनको भी एक बार ही चेक कर लेता हूँ, जिससे कि मतलब थोड़ा सा कम मेहनत पड़े ना यार, यहाँ पर बंदे मिल जाए तो दो चार को यहाँ पर निपटा कर सीधा मिलिट्री बेस के अंदर जा सकूँ। लेकिन यहाँ पर भी कोई नहीं मिलता, बस इस यूएच के बगैर कोई भी नहीं मिलता। थोड़ी देर राउंड मारने के बाद मैं सीधा चला जाता हूँ मिलिट्री बेस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर तो कोई बंदा मुझे स्पॉट नहीं होता। और जैसे मैं मिलिट्री बस के अंदर एंट्री मारता हूँ ना, देखना क्या होगा। अब मैंने सोचा कि यार इन सिमेट्री के पास वाले ये सामने वाले घर के अंदर रुक जाऊंगा, थोड़ा सा वेट करूंगा, लेकिन तभी फायरिंग, और ये वही वाला AWM वाला बंदा है। अब उस वाले बंदे के फुटस्टेप आ रहे थे कि वो बंदा यहाँ पर सामने वाले इस वॉल के पास आ चुका था, तो मैंने सोचा कि यार एक टेक्निक यूज कर लेता हूँ, और वो बंदा भी यहाँ पर मोली भी डाल रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर एक नेट डाल लेता हूँ, फ्री नेट। तो मैंने यहाँ पर एक नेट कुक किया, और उस वाले बंदे को एक इस टाइप से फुटस्टेप दे रहा था कि यार मैं इस तरफ से रश मार रहा हूँ, और वो बंदा भी इस तरफ आता है, थोड़ा सा डैमेज खाता है, लेकिन मेरे साथ ही वो वाला बंदा भी मेरे साथ ही साथ इस तरफ मतलब राइट साइड वाले कंपाउंड मतलब वॉल की तरफ आ जाता है। और यार यहाँ पर मेरे गलती से जॉयस्टिक थोड़ी सी इधर उधर होने की वजह से मैं वहाँ पे कवर से बाहर आ जाता हूँ, और उस वजह से यहाँ पर वो बंदा मुझे मार देता है। खैर अब मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि यार इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर मैं खतरनाक वाले क्लच भी डाला करूँगा और अलग अलग इन्फॉर्मेशन भी दिया करूँगा। खैर आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। हाँ, और एक सब्सक्राइब बटन जल्दी से दबा के जाना, और वीडियो भी शेयर कर देना। सायोनारा।